بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم मोहतरम बुजुर्गो और दीनी भाइयों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी अभी मैंने आपके सामने कलाम पाक की तिलावत की है जिसमें अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक वस्फ़ का बयान किया है के ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको बुलंद अखलाक का पैगंबर बनाकर भेजा है। चुनांचे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में आला तरीन अखलाक के नमूने मिलते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को हसन अखलाक की बहुत ज्यादा तालीम भी फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक का यह हालत था कि कोई आपको गाली देता तो आप उसको दुआ देते, कोई बुरा भला कहता तो मुस्कुरा कर गुजर जाते, उसको बुरा भला नहीं करते। एक मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ तशरीफ ले गए के वहां के लोगों को एक अल्लाह की इबादत की दावत दे। आपका पैगाम सुनकर वहां के सरदार भी कर गए और बहुत बेरुखी और दूर से रुझ से पेश आए। जब आप वापस होने लगे तो शरीर और बदमाश बच्चों को पीछे लगा दिया के उन्होंने इतना पत्थर आप पर फेंका के आपका जिस्म अतर से खून जारी हो गए और जूते मुबारक खून से तर हुए। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहाल होकर एक बाग में बैठ गए। अल्लाह की रहमत को जोश आया, एक फरिश्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, कहा कि आप और हुक्म दे तो दोनों जानिब के पहाड़ों को आपस में मिलाते और ये सब सिवा रे सिर्फ इस जाए। मगर कुर्बान जाए अपने आपस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक के आपने फरमाया के ये मुझे पहचानते नहीं वरना ऐसा नहीं करते। अगर ये आज ईमान नहीं लाते तो अल्लाह की दस से उम्मीद है उनकी नस्लें ईमान लाएगी। और ऐसा ही हुआ। चुनांचे बाद में उसकी किबला के एक नौजवान मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह इस्लाम की दावत लेकर हिंदुस्तान आए और उन्हीं की बदौलत आज हम मुसलमान हैं। इलाही रहम करके सारे ताइफ के मकीनों पर इलाही फूल बरसा पत्थरों वाले जमीनों पर। जहानत ही ने रखा है सदाकत के खिलाफन को, जहानत ही ने रखा है सदाकत के खिलाफन को, बेचारे बेखबर अनजान है घर जब वाप। इसी तरह एक बुढ़िया का वाक्या है, रोजाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कूड़ा करकट फेंक देती थी मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ न कहते और खामोशी से गुजर जाते। एक दिन वो बीमार पड़ी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में दरियाफ्त किया। बीमार की खबर पाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उसके हालत के लिए तशरीफ ले गए। बुढ़िया ने जब आपको अपने पाए देखा तो उसने रो रो कर आपसे माफी मांगी और उसी वक्त ईमान भी दाखिल हो गया। आज दुश्मन ने इस्लाम ने यह गलत खबर फैला रखी है कि इस्लाम तलवार के जोर से फैला है मगर हकीकत यह है कि इस्लाम उसने खुला से फैला है। एक हदीस में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुफलिसों ने ही जिसके पास रुपया पैसा मान बदलत ना हो बल्कि मुफलिस हो गए जो कयामत के दिन बहुत सारी नमाजें रोजे ज़कात हज और तिलावत तस्बीह का बखेरा लेकर आ जाएगा। मगर किसी को गाली दी होगी, किसी को बुरा भला कहा होगा, किसी का हक दबाया होगा, उसने जो लोगों का हक मारा था उसके बदले में उसके नेक अमल उनको दिए जाएंगे यहाँ तक कि उसके तमाम ने हो जाएगी। इसी बात में कभी खबर करता हूँ वाकई का हमारा भाग्य।